हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कॉप शिवम तिवारी पे। तो दोस्तों, मैं शिवम तिवारी, मेरा मेडिकल एसएससी जीडी में हुआ है और मैं 2018 में सिलेक्टेड हूँ। आईटी में भी मुझे पोस्ट मिली थी, बट पहले ज्वाइनिंग लेटर पुलिस का आ गया तो मैं पुलिस ज्वाइन कर लिया। तो दोस्तों, बताऊँगा कि मेरा मेडिकल कैसे हुआ था और आपका भी कैसे होगा। मेरा मेडिकल जो हुआ था दोस्तों, 32 प्रजनन आईटीपी महाराजपुर कानपुर नगर पे हुआ था। तो जिन भाइयों का मेडिकल आईटीपी 32 बटालियन पे है, वो वहाँ पे कैसे पहुँचे, इस पर मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, क्योंकि मैं भी एक कैंडिडेट था। और जहाँ पे सेंटर होते हैं, वहाँ पे जो टेम्पो वाले होते हैं बहुत लूटते हैं। टेम्पो वाले या ऑटो वाले, बस वाले, किराया 10 है तो 20 लेते हैं, 50 लेते हैं, जैसे ये सब चीज़ें हैं। तो अभी क्या है कि आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा कि कहाँ रुकना है, कैसी व्यवस्था है और कहाँ पे आप रुक सकते हैं फ्री में, पैसे में, हर जगह मैंने उस वीडियो में अच्छे से बताया है। तो वीडियो आप लोग देख लेना। चलिए, अब मेन टॉपिक है एसएससी जीडी का मेडिकल कैसे होता है और मेरा कैसे हुआ था। और जो होता है, तो सबसे पहले दोस्तों, आपको सुबह जो रिपोर्टिंग टाइम होगी वो 6 बजे या 5 बजे, जैसा कि मेडिकल एडमिट कार्ड पे आपके लिखा होगा, आपको वहाँ पे 1 घंटे पहले पहुँच जाना है। लाइन लगेगी, लाइन लगने के बाद आप लोग का अंदर करेंगे, वहाँ पे बैठा करके आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट हैं, हाई स्कूल एंटर, निवास ये और जाति, ये सब लेकर जाना है आपको। फिर उसके बाद वहाँ पे आपको चेक करते हैं, और इसके बाद वहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे आपके सभी दोस्तों, नंबरिंग वाइज आपके रोल नंबर के हिसाब से मेडिकल जो डॉक्टर कर रहे हैं उनके पास भेजा जाएगा। वहाँ पे क्या होगा कि आपका ग्रुपिंग बनेगी, आपके 7 या 10 लोगों का ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप से आपका मेडिकल होगा। तो आपका मेडिकल अंदर भी हो सकता है। मेरा तो जो एमडी शाखा था वहीं पे बन गया था, टेंडर से वहाँ पे हुआ था। तो सबसे पहले आपका जो चेक होगा, वो अलग अलग डॉक्टर हैं, जैसे 3 डॉक्टर बैठे हैं, अलग अलग चेक करते हैं। तो जो भी खाली होगा उस हिसाब से उस बैच को भेज देते हैं। तो कोई अगर आई का खाली है तो पहले आँख का आपका मेडिकल हो जाएगा। तो मेडिकल आपका क्या क्या होगा वो चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक। नंबरिंग कैसे होगी वो वहाँ पर पता चलेगा। तो सबसे पहले आपका आँख का जो टेस्ट होगा, क्योंकि आँख में क्या होता है, कलर विजन में चेक होता है, और आपका निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष चेक करते हैं, 6x6 की आपकी आँख है कि नहीं है। जो चश्मा लगाते हैं शायद उसके लिए 6x12 मांगते हैं, तो चश्मा अलाउ है 12 तक। फिर इसके बाद आपका आँख चेक हो जाएगा और कलर विजन चेक हो जाएगा। और इसके बाद उसमें होता है भेंगापन, जो इसे आप करोगे ना, ये तो ये पुतली घूमती है, ये चेक करेंगे, इसको घुमा करके चेक करेंगे। ये चीज़ आँख के लिए हो गई है, और जिनकी नहीं है तो घर पे पहले प्रैक्टिस करके जाएँ। आँख का हो गया। फिर इसके बाद आपका कान का मेडिकल होगा। कान के डॉक्टर क्या करेंगे, आपका पर्दा चेक करेंगे, आपका मशीन आती है लेजर, वो डाल करके कि आपके पर्दे में छेद तो नहीं है, आपको सुनाई देता है। संधारित्र लगाएंगे, संधारित्र तो कैसे करते हैं कि आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, ये करते हैं। बाकी कान का नारंग होता है, आप लोग सिर्फ अपना जो है वैक्स निकाल करके चाहिए कान का। फिर इसके बाद आपका होता है दांत का मेडिकल। दांतों में क्या चेक करते हैं कि आपके दांत खोखले तो नहीं हैं, गंदे हैं लेकिन साफ़ करा लीजिएगा। गंदे से मतलब उनको नहीं होता है, उनका मतलब होता है आपके दांतों में कीड़े नहीं लगे हैं, आपके दांत जो हैं वो प्रॉपर अच्छे वे में है कि नहीं है, निकले तो नहीं है, और ज़्यादा थोड़ा निकले तो चल जाएगा, ज़्यादा निकले तो साथ ड्रीम मेडिकल मिल जाता है क्रॉस बाइट पे। फिर इसके बाद आपको आता है आपका चेस्ट, तो चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है। तो दोस्तों, ये आप लोग जो कमेंट कर रहे थे कि चेस्ट नपता है, तो चेस्ट नहीं नपेगा आपका, ना आपका वेट होगा, ठीक है। इसके बाद आपको चेक करते हैं कि आपका मेड चेस्ट हो गया। इसके बाद आपका हैंड, हैंड में आपको चेक करेंगे कि आपकी हाथ का जो है एंगल सही है, ऐसे करके एंगल। इसके बाद आपका ये पूरे फिंगर चेक करते हैं, फिंगर को कि आपकी सही है, फिंगर काम करती हैं। इसके बाद इसको ऐसे घुमाएंगे, आपकी कलाई चेक कराएंगे ऐसे घुमा करके कि आपकी जो कलाई है घूम रही है कि नहीं घूम रही है, इतना हाथों में होता है। इसके बाद ये करेंगे, और फिर इसके बाद आपका हाथों के बाद आता है कमर का। तो फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं कमर की कि आप लच रहे हैं कि नहीं लच रहे, आपकी कमर झुकाव लेती है तो नीचे तक, मतलब कि हाथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं तो झुकाएंगे आपको। इसके बाद आपका आता है प्राइवेट पार्ट आता है। प्राइवेट पार्ट में आप लोग उसको साफ करके जाना है, और वहाँ पे आपका चेक करते हैं कि जो आपकी गोलियाँ हैं बड़ी हैं कि छोटी हैं। तो ये विस्तार से इसका वीडियो हमने बनाया है अपने यूट्यूब चैनल पर, उसको आप देख सकते हैं। फिर प्राइवेट पार्ट चेक करने के बाद पीछे का चेक होता है, उस पर पाइल्स वगैरह। इसके बाद नीचे आ जाइए, आपका नौकनी चेक होता है। नौकनी में
आपका सिर्फ नॉर्मल चेक होता है कि आपके जो घुटने हैं और जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, उसमें गैपिंग है कि नहीं है, फिर फ्लैट फुट चेक होता है। इतना चेक होने के बाद आपको होती है जंपिंग, जो जंप कराते हैं लगभग एक मिनट तक जंप कराएंगे कि आपके जो पैरों में नसें तो नहीं निकल रही हैं, क्योंकि जो बहुत लोग होते हैं उनके पैरों में नस निकलती हैं रनिंग करने के बाद या कुछ तो मेहनत का काम करने के बाद, तो वही वहाँ पर जंप करा कर चेक कर लेंगे कि आपकी मतलब नस तो नहीं निकल रही है। फिर ये होने के बाद आपको आपका चेक होगा, इतना हो जाएगा तो शायद रात हो जाए। फिर मैं तो रात हो गई थी, मुझे 9 बजे भेजा गया था और वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजते हैं यूरिन ब्लड और एक्सरे के लिए, तीन चीज़ के लिए। ये होता है बाद में, पहले जो भी वहाँ पे मेडिकल होता है वो करा लेते हैं, इसके बाद यूरिन ब्लड और एक्सरे के लिए हम लोग को भेजते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल पे, क्योंकि उनके पास सुविधा होती नहीं है। अगर होती है तो अलग अलग, जैसे SSB में थी वो सिर्फ वहाँ पे केवल ब्लड के लिए बाहर निकाले गए थे, लीव आ गए थे एक्सरे के लिए, सॉरी ब्लड सब हो गया था। मेरा SSB में था ना, कम्युनिकेशन में भी मेरा मेडिकल हुआ था, SSB हेड कॉन्स्टेबल कम्युनिकेशन में भी, तो उस पर भी मैं फिट था। 60 बंदों में से 3 फिट हुए थे, उसमें मेरा नाम था। और इसके अलावा CGD में तो यहाँ पे व्यवस्था है नहीं, ITBP कैंप में 32 बटालियन में, तो वहाँ पे गए थे, एक कोयला नगर पे हॉस्पिटल है रजनी हॉस्पिटल, वहाँ पे चेक हुआ था, इसका मेडिकल हुआ था ब्लड यूरिन का। तो जो आप लोग गलती मत करना यूरिन में कि आप लोग को जैसे पीला आ रहा है तो आप लोग पानी मिला लेते हैं कोई, तो ये मत करना, इससे दिक्कत हो जाएगी, मात्रा यूरिन कम हो जाएगी। तो जो भी है ये मत सोचो कि पीला आ रहा है, यार सबका होता है पीला निकलता है वाइट, तो उसमें से मात्रा चेक करते हैं यूरिया की। तो आप लोग अगर चाहते हो तो बाहर से चेक करा लो कि मेरा सब कुछ सही है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें इतनी सी चेक होती हैं और बस दूसरे दिन रिजल्ट सुना देते हैं। तो 2 दिन का मेडिकल प्रोसेस है, आप लोग 2 दिन के लिए घर से जाएँ पैसे वैसे लेकर के कि 2 दिन आपका मेडिकल होगा, इतनी बात दिमाग में रहने की व्यवस्था। तो जो भी 32 बटालियन ITBP में है उनको कहाँ पर रुकना है उसका वीडियो मैंने बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जो भी आपको चाहिए जानकारी वो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और आपके नाम के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।